आपका व्यू है कि आने वाले दिनों में मार्केट जाने वाला है ऊपर इससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं कॉल ऑप्शन बाय करके या आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं पुट ऑप्शन सेल क्यों और कैसे करते हैं इनमें क्या रिस्क होती हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैं हूं कुश पोहरा और ये है एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स पिछले वीडियो में हमने समझा कि पुट ऑप्शंस बाय क्यों और कैसे करते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं कैसे आप पुट ऑप्शन बाई करके गिरते घिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अब इस वीडियो में हम समझेंगे पुट ऑप्शन सेलिंग तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं हमारा पीके ट्रेडर्स यानी पंजाब के ट्रेडर्स और आर सी बास्केट का एग्जाम्पल यहाँ पर पी के ट्रेडर्स सेल करते हैं राइस हर महीने आर सी बास्केट को जो है एक ऑनलाइन रिटेल पोर्टल इस महीने जब पी के ट्रेडर्स आते हैं राइस सेल करने तो आर सी बास्केट उन्हें देते हैं एक ऑफ़र वो ऑफर ये है आज राइस का दाम चल रहा है दो सौ रुपये प्रति किलो अगले महीने जब पी के ट्रेडर्स राइस सेल करने आएंगे तो वो आर सी बास्केट को ये राइस सेल कर सकते हैं आज के दाम पे, यानी दो सौ रुपए प्रति किलो के दाम पे क्या पीके ट्रेडर्स ऐसा ऑप्शन लेंगे जी हाँ वो ये ऑप्शन तब लेंगे जब उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है यानी राइस की कीमत अगले महीने गिर सकती है अब हम कंसिडर करेंगे तीन सिनारी पहला सिनारी मार्केट में राइस का दाम गिरकर हो जाता है 190। इस केस में पी के ट्रेडर्स इस ऑफ़र इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे उन्हें ऑफर मिला है राइस दो सौ पर बेचने का यहाँ पर उनका प्रॉफिट होता है दस रुपये प्रति किलो के हिसाब से और अभी मार्केट में राइस का दाम चल रहा है एक सौ नब्बे रुपये यानि उनका प्रॉफिट हुआ दस रुपये का एक रुपये उन्होंने दिया ये ऑफर बाय करने के लिए यानी उनका प्रॉफिट है नौ रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बेचने के लिए उन्हें मिनिमम पच्चीस किलो की क्वान्टिटी बेचनी होगी तो 25 किलो के लॉट पे हो गया दो सौ का प्रॉफिट लेकिन आर सी बास्केट ने उन्हें ये ऑफर सेल किया था यानी जितना प्रॉफिट होगा पी के ट्रेडर्स का उतना ही लॉस होगा आर सी बास्केट का जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे आर सी बास्केट का लॉस बढ़ता जाएगा अब हम कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारीो यहाँ पर राइस की कीमत रहती है सेम दो सौ प्रति किलो की इस केस में पीके ट्रेडर्स इस ऑफर को नहीं यूज़ करेंगे और बेचेंगे दो सौ प्रति किलो के मार्केट के दाम पर यहाँ पी के ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है एक रुपये का जो उन्होंने पे किया था ये ऑफर बाय करने के लिए लेकिन ये लॉस बनता है आरसी बास्केट का प्रॉफिट अब बात करते हैं तीसरे सिनारियो की मार्केट में राइस का दाम बढ़ जाता है और हो जाता है 210 इस केस में पी के ट्रेडर्स ये ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे वो दो सौ में बेचने की बजाय बेचेंगे राइस दो के दाम पर जो है मार्केट रेट यहाँ उनका लॉस होगा बट वो है एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से बट फिर से जो पीके ट्रेडर्स का लॉस है वो है आरसी बास्केट का प्रॉफिट तो जैसे आपने देखा अगर मार्केट गिरता है तो ऑप्शन सेलर यानी आरसी बास्केट का लॉस बढ़ता जाता है लेकिन अगर मार्केट ऊपर आता है तो आर सी बास्केट का होता है प्रॉफिट बट दैट प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड इस ऑफर से पीके ट्रेडर्स को मिलता है राइट टू सेल राइस एट द प्राइस ऑफ टू हंड्रेड लेकिन आर सी बास्केट का होता है ये ऑब्लिगेशन अगर प्राइस नीचे जाता है और पीके ट्रेडर्स कहते हैं कि हमें ये राइस बेचना है दो सौ पे तो आर सी बास्केट को ये राइस पीके ट्रेडर से दो सौ रुपये खरीदना पड़ेगा इस ऑफर का ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो पॉइंट जहां पे हमें होगा नो प्रॉफिट नो लॉस वो कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला से एंड दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है 200 का और प्रीमियम है एक रुपए का तो इस ऑफर का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 199 का जिस तरह से हमने राइस का एग्जाम्पल लिया और आरसी बास्केट थे ऑफर सेलर उस तरह से हम मार्केट में पुट ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं ये अवेलेबल होते हैं इंडेक्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कई सारे स्टॉक्स जैसे रिलायंस टाटा मोटर्स इन सब में चलिए लेते हैं निफ्टी का एग्जाम्पल अभी निफ्टी चल रहा है सत्रह आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी बढ़ के हो जाएगा सत्रह इस केस में आप 17,000 का निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं जिसकी कीमत है सौ की यानी आप रिसीव करेंगे पाँच हज़ार रुपये का प्रीमियम जी हाँ आपने सौ रुपये पे पुट ऑप्शन सेल किया है निफ्टी का लॉट है पचास का तो ये ऑप्शन बेचने पे आपको मिलेंगे पाँच हज़ार रुपये अपने अकाउंट में यहां भी कंसिडर करते हैं तीन सिनारी पहला आपका व्यू हुआ सही और निफ्टी चला गया ऊपर यानी सत्रह हज़ार दो सौ पे अब इस ऑप्शन की कीमत हो जाएगी ज़ीरो इसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस था सत्रह हज़ार का और स्पॉट प्राइस है दो सौ का तो ये ऑप्शन हो गया ज़ीरो जो पाँच हज़ार आपको मिले ये ऑप्शन बेचने पे वो हो गए आपके प्रॉफिट कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो निफ्टी ज़रा नीचे चला गया और आ गया सोलह हज़ार नौ सौ पचास पे अब इस ऑप्शन की कीमत है पचास आपने इसे बेचा था सौ पे तो आप पचास रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं यानी पर लॉट पच्चीस सौ रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं आप तीसरा सिनारी निफ्टी चला गया नीचे सोलह हजार आठ सौ पे अब इस ऑप्शन की कीमत हो गई दो सौ आपने इसे बेचा सौ रुपए में तो अब आपको हो रहा है सौ रुपए का लॉस यानी पर लॉट पाँच हजार का लॉस ध्यान रहे जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा इसलिए पुट ऑप्शन सेलर का रिस्क पोटेंशियल होता है बहुत ही हाई और प्रॉफिट पोटेंशियल होता है बहुत ही लिमिटेड दैट इज टू अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए ये है एक्सपायरी के परस्पेक्टिव से यानी अगर निफ्टी इन नंबर्स पे एक्सपायर होता है तो आपका प्रॉफिट या लॉस इस तरह दिखेगा लेकिन आप जानते हैं कि आपको ये पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड करनी जरूरी नहीं है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप प्रॉफिट बुक करके कभी भी इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं या अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस हिट करके भी इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं अब सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि क्यों कोई ऐसा ट्रेड करेगा जहां पे रिस्क पोटेंशियल है बहुत हाई और प्रॉफिट पोटेंशियल है लिमिटेड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो ये कि उन्हें लग रहा है मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा इसलिए वो करते हैं इस पोजीशन में या तो स्पेक्युलेट या अपनी शॉर्ट पोजीशन को हेज और बिकॉज ऑप्शन में होता है बहुत हाई रिस्क खास करके ऑप्शन सेलिंग में जहाँ रिस्क पोटेंशियल इतना हाई होता है हम रेकमेंड करते हैं कि आप यूज़ करें रिस्क मैकेनिज़म्स जैसे स्टॉप लॉसेस हमारे इस निफ्टी के एग्जाम्पल में ब्रेक इवन पॉइंट है सोलह का इसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम हमारा स्ट्राइक प्राइस है सत्रह हजार का और हमारा प्रीमियम है सौ रुपए का तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ सोलह हजार नौ सौ का ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं पहला ब्रेक इवन पॉइंट बायर और सेलर के लिए सेम होता है जी हाँ डेरेवेटिव होता है जीरो सम गेम यानी किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस और ये होते हैं इक्वल अगर किसी का सौ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वही किसी का सौ रुपए का लॉस हो रहा होगा तो वो पॉइंट जहां पे बायर का नो प्रॉफिट नो लॉस है वो बन जाता है सेलर के लिए भी नो प्रॉफ़िट नो लॉस वाला पॉइंट दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए ब्रेक इवन कैलकुलेट किया जाता है ऑपोजिट तरीके से कॉल ऑप्शन के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम और पुट ऑप्शन के लिए आप यूज करते हैं एक उल्टा फॉर्मूला विच इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम तो ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ टू सेल पुट ऑप्शंस इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हों तो उन्हें टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में और हम देंगे उनका जवाब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे आप अपने ऑप्शन को स्क्वेयर ऑफ या सेटल कर सकते हैं तो उस अपडेट के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाए